गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th मैथ्स। हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, इट मींस बहुपद। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4th एंड क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 4th आपके पास गिवन है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री इट मींस हिंदी में हम बोलते हैं इसको घात, मतलब हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल मतलब जो भी बहुपद गिवन है, हमें उसकी क्या बतानी है, घात बतानी है। ठीक है, मतलब जिसकी पावर सबसे ज़्यादा हो या घात सबसे ज़्यादा हो वो क्या हो जाएगी, उसकी डिग्री या घात। जैसे सॉल्यूशन किसका, फर्स्ट का, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है, 5x³ + 4x² + 7x। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, द डिग्री ऑफ 5x² + 4x² + 7x। अब इसमें देखिए कैसे पता चलेगा डिग्री इसकी, देखिए अगर हम देखें यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, यहाँ पे x की पावर कितनी है 2, यहाँ x की पावर कितनी है 3। अब ये तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला 3, मतलब सबसे बड़ी पावर कितनी है 3 है, तो इसका आंसर कितना हो गया 3, राइट। कि इसकी डिग्री कितनी हो गई, फाइनली हमारे पास 3 हो गई। आ गया समझ में कि इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3। तो हम बोल सकते हैं 3 इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन द इक्वेशन, मतलब 3 क्या हो गई इसकी, घात। तो हिंदी में हम आंसर लिख सकते हैं घात बराबर 3 या डिग्री बराबर 3। ठीक है, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज 4 - y². अब एक्स हो या वाई हो, जो सबसे बड़ी पावर हो वो काउंट होती है। तो यहाँ पे वाई की टर्म कितनी है हमारे पास, केवल एक, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई इसकी, 2, क्योंकि एक है और एक को कोई चॉइस थोड़ी करता है, एक है तो एक वही की वही आ जाएगी। यहाँ पे अलग अलग पावर थी, तो जो सबसे बड़ी पावर रहती है वही आपकी क्या कहलाती है, डिग्री। तो द डिग्री ऑफ 4 - y² = 2, तो हम क्या बोलेंगे, 2 is the highest power of y in the equation. Now the third question is 5t - √7. अब यहाँ पे पूरा फंक्शन काई में दिया है, t में, t कितने हैं, केवल एक ही है, और t की पावर देखना है, आगे नंबर नहीं, t की पावर मतलब ऊपर टोपी पे क्या लगा हुआ है। तो t की पावर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 1 है, राइट। कुछ नहीं है मतलब कितना है, 1 है। तो हम बोल सकते हैं द डिग्री ऑफ 5t - √7 = 1। 1 इज द हाइएस्ट पावर ऑफ टी इन द इक्वेशन, 1 क्या हो गया इसका आंसर हो गया। इट मीन्स कि हिंदी में इसका आंसर कितना हो गया, घात बराबर 1, राइट। इसकी हाइएस्ट पावर मतलब घात कितनी है, 1, मतलब डिग्री कितनी हो गई, 1। थर्ड मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ वाले में क्या इक्वेशन गिवन है, 3, राइट। अब इक्वेशन में कोई एक्स है क्या वेरिएबल, वाई है क्या, जेड है क्या, टी है क्या, नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं है तो हम पावर लिख सकते हैं क्या किसी भी चीज़ की, नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे आंसर, द डिग्री ऑफ 3 इज़ 0, डिग्री कितनी हो गई, 0, तो घात कितनी हो गई यहाँ पे इसकी, 0, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब हमें क्लासीफाई करना है किस किस को, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, राइट। जिसकी पावर 1 हो, मतलब जिसकी घात 1 हो, वो लीनियर इक्वेशन हाईएस्ट, हाँ, हाई पूरी इक्वेशन में अगर हाईएस्ट पावर 1 हो उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। जिसकी हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री 2 हो, मतलब घात 2 हो, उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो या घात 3 हो, उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो हम अगर इसकी सबसे पहला डेफिनेशन देख लेते, सॉल्यूशन वी नो दैट, सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, किसकी देखेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल की, ठीक। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज़ कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, क्लियर। जिसकी डिग्री कितनी हो, 1 हो, उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ द सेकेंड वन इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2
इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो अर्थात घात 2 हो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नंबर थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल इसकी डेफिनेशन हो जाएगी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब जिसकी पावर 3 हो या घात 3 हो उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। हिंदी में हम देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा, निम्नलिखित को रैखिक, द्विघात और घन। रैखिक मतलब जिसकी पावर 1 हो, द्विघात मतलब जिसकी पावर 2 हो, घन मतलब जिसकी घात कितनी हो, 3 हो, उसको अलग अलग हमें बताना है बहुपद को। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रैखिक बहुपद इट मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल, घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, मतलब जिसकी घात कितनी हो, 1 हो। द्विघात बहुपद नाम से ही लग रहा है द्विघात, राइट, नाम से ही द्विघात है, तो जिसकी घात कितनी हो, 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। घन बहुपद मतलब जिसकी घात कितनी हो, 3, जिसकी घात कितनी हो, 3 वाले बहुपद को घन बहुपद कहते हैं। क्लियर, अब हम चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है, राइट। नाउ द फर्स्ट वन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे हिंदी मीडियम को भी यहीं ऐसे ही समझना है, फर्स्ट दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखिए इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, सबसे बड़ी पावर 2, घात कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है, तो 2 दिख रही है, तो ये कौन सा हो गया हमारे लिए, द्वि, अभी बताया था द्विघात बहुपद, मतलब ये कौन सा हो गया, द्विघात। इंग्लिश में हो जाएगा द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज 2, द डिग्री इज 2, मतलब डिग्री कितनी हो गई, 2, तो हम बोलेंगे कि जो हमारी इक्वेशन है, हैंस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हिंदी में हो जाएगा द्विघात। सेकेंड इक्वेशन गिवन है एक्स माइनस एक्स क्यूब, क्या गिवन है, एक्स माइनस एक्स क्यूब, हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, क्लियर है, 3 दिख रही है, तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स माइनस एक्स क्यूब इज 3। क्लियर, हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, 3, तो हमारी डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 3, तो हम लिखेंगे द डिग्री इज 3। तो 3 अगर डिग्री है तो हमारी इक्वेशन मतलब हमारा पॉलिनोमियल कैसा हो गया, हैंस एक्स माइनस एक्स क्यूब इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब कौन सा हो गया, घन बहुपद हो गया, राइट, क्योंकि घात इसकी कितनी है, 3 है। नाउ द नेक्स्ट थर्ड इज वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन में क्लियर दिख रहा है कि हाईएस्ट पावर कितनी है हमारे पास, 2 है, राइट, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो हम बोल सकते हैं इसका सॉल्यूशन द हाईएस्ट पावर ऑफ y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 इज 2, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, अब हाईएस्ट पावर 2 है इट मीन्स इसकी डिग्री भी कितनी हो गई, 2, मतलब घात कितनी हो गई इसकी, 2, द डिग्री इज 2, तो हम बोल सकते हैं हैंस y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इट मीन्स द्विघात बहुपद है। क्लियर, फोर्थ देख लेते हैं 1 प्लस एक्स, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है x की, 1, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में द हाईएस्ट पावर ऑफ 1 प्लस एक्स इज 1, मतलब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी इसकी, 1, तो हम लिखेंगे द डिग्री इज 1, हैंस 1 प्लस एक्स इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब रैखिक बहुपद, क्या बोलेंगे हम हिंदी में इसको, रैखिक बहुपद। नाउ द नेक्स्ट फिफ्थ वाला पार्ट, फिफ्थ क्या दे दिया, 3t दिया, t के फॉर्म में इक्वेशन है, अब t की हाईएस्ट पावर कितनी है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, कन्फर्म है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे द हाईएस्ट पावर ऑफ 3t इज 1, हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 1, तो हम लिखेंगे द डिग्री इज 1, हैंस 3t इज ए लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब जिसकी पावर 1 हो वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, अर्थात जिसकी घात 1 हो वो कौन सा बहुपद होता है, रैखिक बहुपद होता है। क्लियर,
नाउ द सिक्स्थ आर स्क्वायर. अब इक्वेशन काई में गिवन है हमारे पास आर में, बस आर में गिवन है तो हम उसकी पावर देख लेंगे कि हाईएस्ट पावर कितनी है. तो हाईएस्ट पावर क्लियर दिख रही है हमारे पास कितनी है, टू है. टू है तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, द हाईएस्ट पावर ऑफ आर स्क्वायर इज टू. हाईएस्ट पावर कितनी है, टू है. और जितनी हाईएस्ट पावर है वही आपके लिए क्या कहलाएगी, डिग्री. तो हम लिखेंगे द डिग्री इज टू. हेंस आर स्क्वायर इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. मतलब जिसकी डिग्री टू होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर जिसकी घात दो होती है उसको हम बोलते हैं द्विघात बहुपद. क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद. नाउ द लास्ट, लास्ट है सेवन्थ, सेवन एक्स क्यूब. क्या गिवन है, सेवन एक्स क्यूब. अब हम सॉल्यूशन देख लेते हैं. इसमें हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, थ्री. हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, थ्री दिख रही है. तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन, द हाईएस्ट पावर ऑफ सेवन एक्स क्यूब इज थ्री. मतलब हाईएस्ट पावर कितनी है, थ्री है. हाईएस्ट पावर जितनी हो उतनी हमारी क्या कहलाती है, डिग्री. तो हम बोलेंगे द डिग्री इज थ्री. हेंस सेवन एक्स क्यूब इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्या है ये, इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. मतलब जिसकी डिग्री तीन हो उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल. अर्थात जिसकी घात तीन हो उसको हम बोलते हैं घन बहुपद. क्लियर. आई थिंक आज आपको सब समझ में आ गया है कि घात क्या होती है. मतलब हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं अर्थात घात, और जिसकी घात एक हो उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, जिसकी घात दो हो उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद, और जिसकी घात तीन हो उसको बोलते हैं घन बहुपद. इट मीन्स कि डिग्री इज वन, इट मीन्स वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल. जिसकी डिग्री टू हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री तीन हो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो इस तरीके की और भी आपको एग्ज़ाम में इक्वेशन दी जाएगी, तो आपको देख के समझना है, पावर को देख के समझना है कि वो इक्वेशन कौन सा पॉलिनोमियल है. थैंक यू.